तुम्हें तुम्हें ज्ञात नहीं है गरुड़, तुम्हारे जन्म से पूर्व विंता का जीवन कैसा था? मुझे अनुमान है दीदी माँ, मैं 7 लोगों की यात्रा पार करके वैकुंठ गया था। क्या तुमने 7 लोगों की यात्रा कर ली? कैसे की तुमने? इन पंखों के सहारे दीदी माँ, मैं उड़कर गया। और शीघ्र ही 7 लोग पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंच गया। और तुम्हारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आई? किसी ने रोका नहीं तुम्हें गरुड़? नहीं, बस विरजा नदी में कुछ समय के लिए फंस गया था। ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः। और फिर मैं वैकुंठ पहुंचा और वहां मुझे शेषनाग भैया मिले। और शेषनाग ने तुम्हें देखते ही पहचान लिया? नहीं दीदी माँ, पर जब पहचाना तो हृदय से लगा लिया। कतरू को और मुझे अनुमान भी नहीं था कि ये पक्षी इतना शक्तिशाली है। करू, और क्या कहा शेषनाग ने तुम्हें? उन्होंने बताया कि बड़ी माँ और उनके अन्य पुत्रों ने छल और कुटिलता से मेरी माँ को अरुण भैया के डिम फोड़ने पर विवश कर दिया था। क्या तुम्हें लगता है तुम्हारा डिम सड़ता है? प्रातः आकर देख लेना, यदि अभी देखना है तो डिम फोड़ना होगा ना। और उसी कारण अरुण भैया ने क्रोध में आकर मेरी माँ को दास्ता का श्राप दे दिया था। अपनी विवशता का दास बन गया हूं, उसी प्रकार आप भी अपनी बहन की दासी बनकर रहेगी। ये श्राप है मेरा। गरुड़ को कतरू के उसके पुत्रों का सत्य पता चल चुका है, अब इसे मूर्ख बनाना संभव नहीं है। यदि मुझे स्वयं को और अपने पुत्रों को इसके क्रोध से बचाना है तो मुझे सब कुछ वैसा ही बताना पड़ेगा जैसा सच में हुआ था। शेषनाग भैया ने मुझे यह भी बताया था कि मां की दास्ता का एकमात्र कारण अरुण भैया का श्राप नहीं है। मां आज जिस स्थिति में है उन्हें वहां तक पहुंचाने में बड़ी माँ ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सत्य है, अरुण के जन्म के बाद तुम्हारी माँ बहुत दुखी रहती थी। उस दुख के अनुभव से लगभग अर्धमृत हो चुकी थी वो, मानो जैसे कोई पत्थर। मुझे ठीक से स्मरण नहीं है दीदी माँ, पर कभी कभी ऐसा लगता है डिम में होकर भी मैं मां की उपस्थिति का अनुभव कर पाता था। जब भी वो मेरे पास आती थी मुझे उनका आभास होता था। अपने निकट उपस्थित व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील तो तुम पहले से ही थे। उस वक्त तुम्हारी माँ अपने दुखों के पहाड़ों के नीचे दबकर सुध-बुध खो चुकी थी।
अरुण, कितनी अभागी हूं मैं, ना तो अपने पुत्र को दूध पिला पाई, ना ही लोरी सुना पाई। और वो भी तो इतनी सी उम्र में अपने घर से, अपनी माँ से इतना दूर है, कौन ध्यान रखता होगा उसका। तब मुझे समझ नहीं आता था, पर अब आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि जब जब मेरे डिम में विचित्र सी सिहरन होती थी, अवश्य ही बड़ी माँ मेरे आसपास होती होंगी। दुखद है पर यही सत्य है गरुड़, जो अरुण के साथ अनहोनी हुई उसके बाद तो कदरू ने जैसे दूरियां ही बना ली थी, पर दिन बर दिन तुम्हारे डिम को बढ़ता हुआ देखकर कदरू को चिंता होने लगी। और फिर एक दिन, देखिए माँ, हम आपके लिए क्या लाए। दुनिया के सबसे अनोखे, दुर्लभ और मूल्यवान रत्न। और पता है माँ, इन रत्नों को ढूंढने में और इकट्ठा करके आपके लिए लाने में हमने कितना श्रम किया है, किंतु आपके लिए कुछ भी। इतनी छोटी कैसे हो सकती है तुम्हारी महत्वाकांक्षा। तुम दोनों मेरे पुत्र हो, महारानी कदरू के पुत्र। मैं तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पर बैठाने का स्वप्न देख रही हूं, जहां इस संसार के सारे सुख और ऐश्वर्य तुम दोनों के चरणों में होंगे। किंतु तुम दोनों इन छोटे छोटे से रत्नों को देखकर इतना अधिक प्रसन्न हो रहे हो। विंता के पुत्र को इंद्र से अधिक शक्तिशाली होने का वरदान मिला था, पर कोई भी वरदान मेरे स्वप्न को सत्य में परिवर्तित करने से नहीं रोक सकता। इस समस्त ब्रह्मांड पर राज करेंगे मेरे पुत्र, महारानी कदरू के पुत्र। अनवरत बढ़ता ही जा रहा है। अर्थ विकसित विकलांग है, फिर भी कितना शक्तिशाली है ये बालक, किसकी प्रकाश से पूरा आकाश लाल हो गया है। अच्छा ही है नवा, छोटी माँ का पुत्र इस डिम से निकलकर जितना बड़ा और शक्तिशाली होगा, उसे युद्ध करके पराजित करने में और पूरा का पूरा निगल जाने में कितना आनंद मिलेगा। मूर्खों की तरह बात करना बंद करो कालिया। किसी योद्धा की सबसे बड़ी कमी क्या होती है जानते हो? अपने शत्रु की क्षमता को स्वयं से कम आंकना। बहुत सावधान रहना होगा हमें, बहुत सावधान। इतनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है मां, अरुण तो पहले से ही अर्थ विकसित है, और छोटी माँ वो अन्न जल त्याग कर स्वयं के प्राण लेने की तैयारी कर रही है। और जब ये पैदा होगा तो हम इसका वध कर देंगे। यदि नहीं कर पाए तो
इस दिन को ध्यान से देखो तक्षक, 800 वर्षों से ये विकसित हो रहा है। पोषण प्राप्त कर करके ये इतना विशाल काय हो गया है कि उसने सूर्य के तेज को भी ढक लिया है। धरती के महानतम ऋषियों ने इसके जन्म से पूर्व भविष्यवाणी की थी कि इसके तन में अद्भुत शक्ति होगी और इसके भाग्य में अभूतपूर्व सफलता। ईश्वर ही जाने कितना शक्तिशाली होगा यह। जब तक हमें उसके सामर्थ्य का अनुमान पूर्ण रूप से नहीं लग जाता, हमें विंता को जीवित रखना होगा। केवल विंता ही है जो अपनी संतान को नियंत्रित करेगी, पर इसके लिए हमें सुनिश्चित करना होगा कि विंता हमारे नियंत्रण में रहे। अद्भुत, आपकी दूरदृष्टि अद्भुत है माँ। आपकी चालों का उत्तर ना ही छोटी माँ के पास है और ना ही उनकी संतान के पास होगा। जब कदरू ने विंता की दीन की शक्ति देखी, उसे क्षण उसने तय कर लिया कि उसे कुछ भी करके विंता को अपने नियंत्रण में कर लेना होगा। कब तक अपने विचारों की भूल भुलैया में खोई रहोगी विंता? चलो, कितना समय हो गया, हमने साथ में संध्या आरती नहीं की। मेरा मन नहीं है दीदी। मन नहीं है तो बनाओ विंता, अपने प्रभु विष्णु को प्रतीक्षा करवाओगी क्या? चलो। से अपने पांव को जल में डालकर बैठी हो, देखो कैसे सुन्न पड़ गए, जैसे जैसे उनमें प्राण ही नहीं है। विंता, अरुण के तो पांव भी नहीं है दीदी। जब मुझे इतना कष्ट हो रहा है तो उसे प्रतिदिन कितना कष्ट सहना पड़ता होगा। मेरे कारण मेरे पुत्र का जन्म अर्धविकसित परिस्थिति में हुआ और अब वो मुझसे इतना दूर चला गया है कि मैं उसका पालन पोषण भी नहीं कर सकती। दीदी, वो अकेले सब कुछ कैसे संभालता होगा? उसे भूख लगती होगी तो उसे भोजन कौन देता होगा? दो घूंट पानी के लिए उसे कितना प्रयत्न करना पड़ता होगा ना? मुझे क्षमा कर देना विंता, आज तक स्वीकार नहीं करना चाहती थी, किंतु सत्य तो यही है ना कि जो कुछ भी हुआ उसके लिए दोषी मैं हूं। यदि मैं तुमसे नहीं कहती कि मैं 500 वर्षों तक डिमके फूटने की प्रतीक्षा नहीं करूंगी तो अवश्य तुम अपना डिम नहीं फूटती ना। मैं उस रात तुम्हें रोकने भी आई थी, किंतु जब तक मैं वहां पहुंची तब तक मैं अपना डिम फोड़ चुकी थी।
आपने तो केवल कहा था दीदी, किया तो मैंने था। अरुण के जाने के बाद स्वामी ने भी मुझसे यही कहा था कि मैं आपको क्षमा कर दूं। और अब मैं आपसे भी वही कहूंगी जो मैंने उनसे कहा था, यदि किसी के कहने में आकर हम कुछ अनुचित कर जाते हैं तो दोष कहने वाले का नहीं होता, हमारा होता है, क्योंकि हमने अपने विवेक का उपयोग नहीं किया। इसलिए क्षमा का तो प्रश्न ही नहीं उठता दीदी, दोष मेरा है क्योंकि दायित्व मेरा था, ये पाप मैंने किया है और इस पाप के लिए मैं स्वयं को जितना दंड दूं उतना कम है। स्वयं के साथ और उससे अधिक अपने अजन्मे पुत्र के साथ तुम अत्याचार कर रही हो विंता। हम दोनों माँ है विंता, और माँओं को अपने पुत्रों के लिए, अपनी संतानों के लिए स्वयं को संभालना ही पड़ता है। तुम्हारा तन और मन स्वस्थ होगा तभी तो तुम अपने होने वाले पुत्र का ध्यान रख पाओगी। देखो कितनी शीघ्र कितना बड़ा हो गया वो। कितना शक्तिशाली होगा वो। जब शक्ति अधिक हो तो उसे सजोने का संवारने का उत्तरदायित्व भी अधिक होता है। शक्तिशाली तो वो सबके आशीर्वाद से बनेगा, किंतु उसे उत्तरदायी बनाना तुम्हारा कर्तव्य है, ताकि उस शक्ति का अनुचित उपयोग ना हो, ना वो क्रोधी बने ना वो दंभी बने। इसलिए तुम्हें उसे नियंत्रित करना होगा, है ना? सही कह रही हैं आप। मैं चाहती थी मेरा पुत्र अपने माता पिता का सम्मान करे, उनके संस्कार सीखे, पर उससे पहले मुझे योग्य बनना होगा, क्योंकि संतान अपने माता पिता को जैसा व्यवहार करते देखती है वही सीखती है और वैसा ही आचरण भी करती है। इस तरह से विंता को समझने के बाद कदर का व्यवहार विंता के प्रति अच्छा हो गया था। वो उसका ध्यान रखने लगी, उसके खाने पीने सोने का, सारी चीजों का। विंता का स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा था, परंतु उसका मन अभी भी अरुण के लिए विचलित था। सब ठीक हो जाएगा विंता, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक तो होना ही है, क्योंकि पहले मैं तुझे समझा बुझाकर स्वस्थ करके अपने नियंत्रण में लूंगी, और फिर तेरे माध्यम से तेरे दूसरे पुत्र को नियंत्रित करूंगी। अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी महत्वाकांक्षा के आकाश में मेरे पुत्र सूर्य बनकर उदित होंगे और सारे संसार पर छा जाएंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।